आपके शहर में 20 सालों से सेवा दे रहे हैं श्री श्याम सीमेंट हाउस, जहां आपको मिलेगा हर तरह का सीमेंट, एजीसी सीमेंट, कोनार्क सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और भी कई प्रकार की सीमेंट, साथ ही छड़, सैनिटरी पाइप और बाथरूम के जरूरत की चीजें, वो भी होलसेल रेट में। तो आज ही आएं, हमारा पता है नॉर्मल स्कूल के पास, अलकापुरी, गिरिडीह, झारखंड, पिन कोड 815312। हमारा मोबाइल नंबर है 8789821481 और 9835586265। मैं दुकान का 20 साल हो गया है जी। 20 साल से मैं दुकान जो भरोसे पर चल रहा है जी, यहाँ उचित दाम पर सबको देते हैं। निर्वाची पदाधिकारी 36 बोकारो विधानसभा क्षेत्र से अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांचल डाढ़ा के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी सुशांत कुमार मिश्रा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस राज्य में 25 सालों से युवा को छलने जा रहा है और बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जिससे कि सरकार को रोजगार से जोड़ सके। ऐसे में हमें चुनाव में खड़ा होना पड़ा ताकि विधानसभा में युवाओं के आवाज को बुलंद कर सके और युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके। लग रहा है, बड़े बड़े प्रत्याशी भी है। देखिए, मैं चुनाव पे अपने मन से नहीं उतरा हूँ, मेरे यहाँ के क्षेत्र के बोकारो के विस्तार, पूरा बोकारो विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। जैसे मेरी माँ, मेरे बूढ़े, उनके आँखों में दर्द झलक रहा है लेकिन कोई उनका समाधान करने के लिए कोई नहीं आया है। आज मेरे युवा बेरोजगार हैं, मेरे महिला आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे नेतागण यहाँ के जो भी MLA MP बने हैं वो सिर्फ छलने का काम किए हैं, आज तक कोई सुविधा नहीं दे पाए। आज हमारी महिला क्या पढ़ा लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है। आज उनके पास हर तरह का शैक्षणिक योग्यता है लेकिन उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा। मैं उस अवसर पे काम करूँगा, एक लघु उद्योग का, छोटे छोटे बिजनेस उनको दिया करने का काम करूँगा। एवं मेरे युवा साथी जो आज घूम रहे हैं रोड पे इधर उधर, मैं रोजगार तो दे नहीं सकता मैं, मगर रोजगार सृजित कर सकता हूँ। आज मेरे यहाँ इतने छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, इतने छोटे छोटे कंपनी लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अपने युवा को नौकरी दिलाने का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परमानेंट नौकरी दिला दूंगा, बट मैं कोशिश करूँगा बेरोजगार होके घूमे नहीं रोड पे। मैं ये